नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के शुक्र स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपसे कोई पूछे कि जिंदगी में धन दौलत कमाना ही जरूरी है या उसका उपभोग करना जरूरी है, तो आप कहेंगे उपभोग करना। आपके पास अच्छा पैसा है तो आप गाड़ी लेंगे, बकार लेंगे, ट्रैवल करेंगे, एंजॉय करेंगे, वस्त्र और आभूषण का शौक पूरा करेंगे। वहीं शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है और कितना भी धन है, आप एंजॉय नहीं कर सकते। आपने कोई ट्रैवल प्लान बनाया, आपका कैंसिल हो जाएगा। आपने अच्छे कपड़े खरीदे बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कपड़े आप पर फिट नहीं आए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फैशन, पैशन, हॉबीज से जुड़ी हुई हैं, जो शुक्र पूरी करते हैं। शुक्र क्यों जरूरी है कुंडली में मजबूत होना, और अगर नहीं है तो उसे मजबूत कैसे किया जा सकता है, यही हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु होगा। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं शुक्र है कौन। शुक्र हम सब की जिंदगी को सही तरीके से जीने और हर हाल में खुश रहने का नाम है। इसका मतलब ही हमारी खुशी से है, क्योंकि इस ग्रह का नाम लेते ही मन में मिठास और आनंद की अनुभूति होने लगती है। खुशी किसी साधन में नहीं है, बल्कि आत्मिक रूप से आपको मिलनी चाहिए। यह सिर्फ आपका वहम है कि आपके पास बड़ा घर, गाड़ी, नई कार, बाइक है तो आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं या खुश मिजाज इंसान है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपने एक बाइक ली, लेने से पहले आपके पास खुशी थी, लेने के बाद भी खुशी हुई, जब आप उसे दूसरा दिन आया गाड़ी का, तब आप उसने कोई चमकाने की कोशिश की, साफ सुथरा रखने की कोशिश की, क्रोम और स्टील जो होता है उसे बड़ा चमकाने मड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सिर्फ आप सीट साफ करते ताकि आपके पैंट गंदी ना हो जाए, कहां गई वो खुशी? क्योंकि खुशी एक बार मिलते ही अगली बार से कम होने लग जाती है। लेकिन अगर शुक्र कुंडली मजबूत है तो हर रोज आप खुशी में जिएंगे। याद रखिएगा, जिंदगी को ईश्वर ने जीने के लिए भेजा, काटने के लिए नहीं, क्योंकि यह खुशी आपकी क्षणिक भर ही होती है। लेकिन अगर आप हर पल खुश रहते हैं, हर काम को खुश रहकर करते हैं, तो शुक्र आपका मजबूत होगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो आपके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांच और रोमांस साफ देखा जाएगा। शुक्र सुख बाधक नहीं, सुख कारक ग्रह है। आपको सुख की अनुभूति कैसे होती, आइए जानते हैं। प्रिय साथियों, हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड से 4 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, आपने सुना होगा एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं, जब आप खुल के हंसते हैं, आप प्लेजर में होते हैं, आप अपनी बेडरूम लाइफ को जीते हैं, तब आपके ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वहीं आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मैरिटल लाइफ, लव पार्टनर के साथ आपकी इंटीमेसी प्रॉपर नहीं है, तो आपके स्ट्रेस के हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। शुक्र आपका कमजोर है, इसलिए आप अपने प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमांच और रोमांस को जी नहीं पाएंगे। बचपन से वृद्धावस्था के हर अवस्था में सुख की अनुभूति होनी चाहिए, और जब आप बाल्यावस्था में बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, वह आपके लिए सुख है। विवाह अवस्था के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, परिवार के साथ लालन पोषण करते हैं, वह आपका सुख है। ठीक वैसे ही वृद्धावस्था में, यानी बुजुर्ग अवस्था में, जब आपके साथ कोई इंसान बैठकर दो प्यार के मीठे बोल बोल ले। आपने कई बड़े बुजुर्गों को देखा होगा जो डांस करते हैं, पार्टीज करते हैं, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, अपने परिवार साथ खुश रहते हैं, तो उनका शुक्र हमेशा के लिए बलवान होता है। जो वृद्धावस्था में, जहां पर हाथ पैर दांत काम नहीं करते, वहां पर भी उसे सुख देने का काम करता है। प्रिय साथियों, अब यहां से 11 ऐसे अमेजिंग टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जिससे शुक्र आपके मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र हैप्पीनेस, लव लाइफ, रोमांच, सेक्सुअल रिलेशनशिप और साथ में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके ड्रेसिंग सेंस, फैशन, पैशन, हॉबीज, इन सब के कारक माना जाता है। अगर शुक्र बलवान हो तो एक नई लाइफस्टाइल आपको देते हैं, और आपकी बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता भी प्रदान करते हैं, और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो यह सब चीजें आपको 22 से 24 वर्ष की उम्र में ही मिल जाती हैं। शुक्र मजबूत होने पर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर, कॉन्फिडेंट, एक अच्छा शरीर, स्पिरिचुअल रूप से जीने की मोटिवेशनल इच्छा, ये आपको वरदान के रूप में मिलती है। आपके विचार कलात्मक और अच्छे रहते हैं। अब आप एक एक करके उन पॉइंट्स को नोट करिए जिससे आपकी जिंदगी बेहतर शुक्रमय हो सकती है। प्रिय साथियों, शुक्रवार के दिन मंदिर में चीनी, घी, दूध, चावल का दान करने से जो आशीर्वाद रिटर्न में मिलता है, वह आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। एक चांदी का टुकड़ा हमेशा के लिए अपने पास में रखना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में एक बार सफेद गाय का दान जरूर करेगा। गौशाला में श्रम दान करिए। काउ कर्डलिंग आपने सुना होगा, गाय को सराहना, गाय का आशीर्वाद देना, गाय को गले लगाना, आपको बहुत रास आएगा।
शुक्र कमजोर होने पर आपको हल्के रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जैसे घर में क्रीम कलर के या लाइट कलर के पर्दे बेडशीट यूज करें। अपने बेडरूम को अच्छा वास्तुमय बनाइए, दुनिया भर का सामान अपने बेडरूम में गोदाम की तरह मत भरिए। महीने के किसी भी शुक्रवार को 5 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें सात्विक भोजन खिलाकर कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। अपने बेडरूम में पिंक कलर के कलरफुल आपको पर्दे लगाना चाहिए। आपकी बेडशीट अच्छी होनी चाहिए, मूड के अनुसार आपकी लाइट होनी चाहिए। आजकल तो इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो बहुत कुछ आपके हिसाब का ही सब कुछ हो सकता है, वैसा बनाने की कोशिश करिए। मोर पंख रखने की कोशिश करिए, स्नेक प्लांट लगाने की कोशिश करिए, गुलाब के पुष्पों से रखे हुए गुलदस्ते आपके बेडरूम में होने चाहिए। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, स्फटिक माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का एक माला जाप करें। इससे क्या होगा, ये लक्ष्मी आएगी लेकिन लक्ष्मी और विष्णु जी का जो प्रेम है वह आपके जीवन में भी आएगा। एक बड़ी इलायची को पानी में उबाल लें और उसे अपने नहाने के पानी में मिला दीजिए। नहाते समय ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः बोलते रहिए, शुक्र मजबूत हो जाएगा। चांदी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, शुक्र ग्रह के लिए आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी का टुकड़ा पहनिए, अगर आप प्लेटिनम का छल्ला अपने अंगूठे में पहनते हैं तो बहुत अट्रैक्शन रहेगा। ब्रेसलेट पहनिए, अच्छा वस्त्र आभूषण का लाभ लीजिए, इसके साथ में प्लेटिनम भी शुक्र को मजबूत करने का काम करता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अलाउ करते हैं तो आपको जरूर हीरा पहनना चाहिए, सॉलिटेयर पहनना चाहिए, और कर सकते हैं तो पन्ना लीजिए और उसके चारों तरफ हीरे लगवा के पहनिए। हो सके तो शुक्र यंत्र में पहनिए और लाभ मिलेगा। चांदी धारण करने से आपकी स्किन से संबंधित परेशानी भी दूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि अंगूठे में आप पहन सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप प्लेटिनम का या चांदी का छल्ला भी पहनिए तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। स्पेशली शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र जरूर पहने, यह आपके शुक्र और चंद्रमा दोनों को मजबूत करेंगे। ऐसे में न सिर्फ आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे बल्कि आपका मन भी पॉजिटिव रहेगा। शुक्रवार को आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को खाना खाने के लिए जाना चाहिए, फैशन फैशन हॉबीज को अपनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एक चेन है, लेकिन फ्राइडे क्या होता है, वीकेंड का पहला दिन होता है, फिर सैटरडे संडे ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। इसलिए आप फ्राइडे को जितना अच्छा बना सके फैशन फैशन हॉबीज को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल हमेशा क्रिएटिव और कलात्मक करते रहे। कभी आपने साइकिलिंग चलाई, कभी आपने स्विमिंग की, कभी स्क्वाश बैडमिंटन टेनिस खेल लिया, कभी गोल्फ खेल लिया, ये सब शुक्र के गेम माने जाते हैं। एक बहुत ही सरल और आसान तरीका और भी है, म्यूजिक डांस एक्टिंग क्रिएटिविटी। आजकल तो झुम्बा डांस करके लोग फिटनेस भी पाते हैं और वजन भी कम करते थे। मधुर संगीत से आपका शुक्र बलवान होगा। आप सुबह शाम घर में भजन सुनने के साथ साथ जरूर एक स्पिरिचुअल के साथ साथ कुछ रोमांटिक म्यूजिक जरूर सुना करें। अगर आपको लगता है कि आप गिटार बजा सकते हैं और कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ट्राई तो करिए। आपके जिंदगी में जो भी महिला है पुरुष के लिए, जैसे माँ बहन पत्नी दादी उनका या बेटी उनका सम्मान करें और उन्हें हमेशा खुश करें। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, उन्हें सींचिए और दूसरों को तुलसी का पौधा गिफ्ट करिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और ज्योतिषी की सलाह लेकर, और आप चाहें तो मुझसे टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसके बाद ही आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। प्रिय साथियों, कितना भी कर लीजिए, बहलों में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है, झुग्गी झोंपड़ियों में डिप्रेशन नहीं होता है। यानी अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि धन आएगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ी सुख सुविधाएं, तो बड़े बड़े 30 मार्का थे जिनके चारों तरफ हाथी घोड़े घूमते थे, आज उनके घर में दिया ना बाती, कबीर का दोहा भी है, आप जरूर सुनिएगा। इसलिए आप कोई भी काम खुशी पाने के लिए मत करिए, हर काम को खुश रहकर करना आज से शुरू कर दीजिए। आपके हैप्पीनेस के हार्मोन ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि जिंदगी में जहां हैं वहीं खुशी बरकरार है। मैं भी कुछ दिनों पहले कश्मीर गया था, कुछ लोगों ने कहा कि आप तो जन्नत में, बहुत शानदार स्वर्ग जैसी खुशबू आ रही है। तो अगर कश्मीर स्वर्ग है तो क्या बाकी लोग नरक में रहते हैं? कुछ लोग स्विट्जरलैंड से कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भीतर स्वर्ग है और हमारे ही भीतर नरक है। इसलिए आप आज से ही अपने जिंदगी को खुशनुमा बनाइए, शुक्र को मजबूत करिए, और अब मुझे इजाजत दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव।
अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान, कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।